बैनर जी पहुंचे पांडे जल्दी आ यार, बारिश में धमाल बारिश है जल्दी आ। क्या बात है बैनर जी, इससे कहते हैं टाइमिंग। आज की फ्राइडे की है शाम, दो दिन की छुट्टी, कल हमारी पिकनिक और बीच में आई हुई है बारिश। बारिश तेरा भी जवाब नहीं यार, कोई जवाब सरस सरस एकदम चार का माफिक, तुम्हारा भी जवाब नहीं आ। अरे मजा आएगा यार, ले बाप धमाल। अरे उसके बाद आया आया कौन हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, सब काम खत्म हो गया? मिस्टर देशपांडे, वेयर्स द वीकली रिपोर्ट? सर वो सुबह क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने? दोपहर 4 बजे तक रिपोर्ट रेडी हो जाना चाहिए था। आई एम सॉरी सर, वो कोलकाता हेड ऑफिस से 2 बार फैक्स आया, क्या जवाब दूं उनको? सर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट रेडी सर, मैं अभी भिजवा देता हूं सर। रिलैक्स रिलैक्स, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट दिस टू द अथॉरिटी। मिस्टर बाटली वाला, दिस इज सिंपली आउटरेजियस। या आई नो, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस ऑफिस। इधर कहां जा रहा है? वो वीकली रिपोर्ट यार। अरे भाड़ में गई वीकली रिपोर्ट यार, मुझे बता ड्रिंक्स का क्या हुआ? लाया हो ना रम की 25 बोतलें लाया। अरे वो 25 क्या सिर्फ फिर पीना है क्या? 25 और बड़ा। अरे उधर दारू पीना चाहते हो या स्नान करना चाहते हो? अरे यार तेरे को जो बोला वो करना, ठीक है? एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। काम चोर है सबके सब। बराबर छे। अरे सू बराबर छे। 8-10 हज़ार रुपए पगार लेते हैं, कंपनी की फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करना भूल जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट बॉसी, एब्सोल्युटली राइट। पर शू करें बड़ा यंग जनरेशन छे ने, तो थोड़ा मजाक मस्ती तो चाले छे, है नहीं बाबा? नथिंग डूइंग मिस्टर बाटली वाला, यहाँ भी सिंसियरली और सीरियसली काम करने वाले लोग हैं। Now look at that young man, Mr. Raj Dixit. चलो मिस्टर राज, टाइम देखा है? 5:11, 5:30 की बस निकल गई तो कई काम से। ये पांड्या, वो सक्सेना को बुलाने मत बोलना। क्या वो शर्मा जी? साल की धमाल। हाँ वही। शर्मा जी, वो पेटी कैश का वाउचर कहाँ है? ओ शर्मा वाउचर। क्या आदमी है यार, मौसम इतना रोमांटिक और उसे वाउचर की पड़ी है, टेबल पे लेना यार। पांड्या किड़ा, मैं ऐसा नॉकआउट पंच बनाने वाला हूँ ना, एक एक आदमी डायरेक्ट फ्लैश समझा दिया। एक मिनट देशपांडे, वो चौकने का बंदोबस्त किया है ना? चौकना? हाँ। अरे वो नहीं रे, वो दारू के साथ खाते हैं ना। चकना वो हो गया, पुलटू फटा, टेंशन मत लो उसका। लगता है कैश बुक टैली हो गया। यस मैम। ये राज का कैश बुक हमेशा फर्स्ट रोक में टैली होता है, लकी गाय। देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन इन दिस ऑफिस। सर यस, आज की कैश बुक साइन कर दीजिए। ओह गुड राज, मिस्टर देशपांडे नीड्स अ लिटिल हेल्प, वीकली रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई, अगर तुम। सर कल सुबह कर दूंगा, 5:30 की बस पकड़नी होती है, यू नो दैट। आई नो यू कैन गो। 5:35 की बस, 6 बज गए अभी तक नहीं आई। ये बस वालों का ना कोई ठिकाना नहीं। अरे राहुल, भैया आते होंगे बेटा। अरे अरे नहीं करते बेटा, बड़े हो गए हो तुम। रोज मारते हो तुम, रोज मारते हो। नहीं आऊंगा, कैसे नहीं आऊंगा भैया, नहीं आऊंगा। रोज सॉरी बोलते हो और सुमन प्लीज, वैसे भी देर हो गई है, राहुल इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, और मैं जो तुम्हारा हर रोज इंतजार करती हूँ उसका क्या? बोल बोल ना सुमन। क्या बात है, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, किसी ने हमारी तरफ मुस्कुराकर देखा तो सही। सुमन प्लीज। ठीक है आज हंसे इसलिए छोड़ देती हूँ, और वैसे भी कुछ करने की हिम्मत है नहीं तुम्हें, कम से कम मुस्कुराए तो करो। साला अपना नसीब ही खराब है। राहुल राहुल अभी सोया है? राहुल गुड इवनिंग।
मार, मार मुझे, मुझ जैसे लापरवाह आदमी को मारना ही चाहिए, और मार। अरे कुछ फिक्र ही नहीं है छोटे भाई की, काम काम और काम। इधर राहुल घर पे इंतजार करता होगा, इस बात की जरा भी परवाह नहीं। छोटे भाई से भी बढ़कर कोई काम हो सकता है शंकर? हाँ इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन अक्कल ही नहीं आती। कमाल हो गया, पूरे अखबार में खून, खुदकुशी, बलात्कार की एक भी खबर नहीं। क्या फायदा अखबार खरीदने का? स्टेनलेस स्टील की छुरी दिखाकर दिन दहाड़े महिला को लूटा, वेरी गुड वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर का 25वां शतक, अरे वाह। मगर भारत 134 पर ऑल आउट। शिट, साले वही वही खबरें पढ़कर ऊब गया। हाय, गुड इवनिंग गुप्ता जी। आ गई जानकी मौसी, आज सूरज आई मीन सन कहां से निकला? आपका हेड ठिकाने पर है ना कि जल्दी शुरू की, अर्ली अर्ली। खुद की वाइफ को मौसी कहते हो? अरे वाइफ अगर वाइफ जैसा बर्ताव करे तो उसे वाइफ कहते हैं, समझी? यू टेल मी वन थिंग, कौन सी चीज की कमी महसूस की आपने मुझ में? वॉटलेस सेंसलेस। सेंसलेस? हाँ। अगर अकल नहीं होती ना तो हमारा लेडीज क्लब मुझे चेयरमैन नहीं चुनता। अरे मर्द को चेयरमैन कहते हैं। मालूम है जी, मालूम है, आपका इंग्लिश बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंग्लिश क्या चाटना है? लिकिंग लिकिंग? चार लोगों में खड़े रहकर बात कर सकते हो? नो नो, अरे आपसे ज्यादा मोहल्ले में मुझे पहचानते हैं, अंडरस्टैंड? अच्छा, मुझे मोहल्ले में कोई नहीं पहचानता? नहीं, पहचानते हैं, लेकिन जानकी का पति कहकर, जानकी हस्बैंड। हस्बैंड का स्पेलिंग जानती हो? मालूम है, HASHOSBB। मेरे पास टाइम नहीं इन फालतू बातों के लिए। आई वॉन्ट टू पुट कुकर। कुकर मतलब आज भी दाल भात? अरे आज फ्राइडे, मुझे लगा तुम मच्छी लेकर आओगे। क्यों, आपको तो पता है ना कि फ्राइडे को मेरी लेडीज क्लब की मीटिंग रहती है। भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग, कल से क्लब बंद। बंद? हाँ। माय फुट। देखो जानकी। हाय मॉम, हाय डैड। ये लो आ गए गुप्ता खानदान के राजकुमार। अब वो श्रीदेवी कहाँ गई? शादी से पहले क्या भाग गई? कैसे बेहुदा बातें करते हो, रॉटन टॉप। वो तो बेचारी अपनी सहेली के पास गई है। धन्य हो, माँ क्लब में, बेटी सहेली के पास, बेटा नाके पे, और बाप सुबह शाम खा रहा है दाल भात। दाल भात? हाँ। मॉम, मैं रात को खाने पर नहीं हूँ, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। कौन सी रे? विच वन? इंग्लिश पिक्चर देखने जा रहा हूँ। विच वन? ए, तमीज से बात कर। डैड, आप भी ना कभी कभी इज्जत का फालूदा कर देते। क्या हुआ? वो देखो, पैजामे का नाड़ा लटक रहा है। तेरा भी लटक रहा है, ये फैशन है। अच्छा, तेरा वो फैशन, मेरा वो नाड़ा। सुअर, आपसे कौन बहस करेगा? मॉम मैं निकल रहा हूँ। टेक मनी नो, फोन करो। थैंक्स मॉम। बिगाड़ो बच्चों को, बिगाड़ो। बंद करो। क्या है बॉक्स में? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए कभी कुछ लाए हो क्या? तुम्हें लाने के लिए बाजार में कोई चीज बची है क्या? जाओ दाल भात बनाओ मेरे लिए कभी कुछ। ये लो आ गई श्रीदेवी। हाय डैड, क्या है बक्से में? हाइड्रोजन बॉम्ब चाहिए, चल अंदर। आई बड़ी पूछने को क्या है बक्से? मॉम। यस डार्लिंग। आजकल डैड सठिया गए हैं क्या? यू फील ऑल्सो ना। देन तूफान आया, समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, सिंधबाद का जहाज डूबने लगा, लेकिन सिंधबाद डरा नहीं, वो समुंदर में कूदा और तैरते तैरते किनारे तक जा पहुंचा, है ना? वाह। और फिर पकोड़े, सही वक्त पर आ गया मैं। मैं आपको बुलाने ही वाला था। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लो ना शुरू करो। नहीं नहीं, पहले मुझे राहुल को दिखाने दो, उसके लिए मैंने क्या लाया है। एक मिनट। अरे ऐसी चीज लाया हूँ कि आंखें खुली की खुली रह जाएगी। सिंधवाद के जहाज को मारो गोले, ये रहा असली हवाई जहाज जंबो जेट। और अब देखो इस जंबो जेट का कमाल, ये हमारा जंबो जेट उठने को तैयार हुआ है। ए राहुल कैसे लगा? गुप्ता जी, आप राहुल के लिए इतने महंगे खिलौने क्यों लाते हो? अरे राज, मुझे भी कहाँ पैसे देने पड़ते हैं, लोग प्यार से देते हैं, शॉप इंस्पेक्टर जो हूँ। अब देने वाले को इतराज नहीं तो लेने वाले को कैसी शर्म। सही बोल रहे हो, लो पकौड़े खाओ। बाकी राज तुम भी कमाल हो। क्यों? अरे सुबह ये सब तैयारी करके ऑफिस जाते हो और शाम को आने के बाद खाना पकाते हो, ये सब कैसे करते हो? कमाल है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन गुप्ता जी,
वाह अच्छा लगा, सुनने को अच्छा लगा, समझा नहीं हो बात अलग है। राहुल राहुल कहाँ जा रहा है? राहुल बाल तो पोंछने दे, सारे घर में गीले बालों के साथ घूम रहा है। रुक। भैया। अब लग रहा है ना हीरो, चल दूध पी ले। ये ले। घर की क्या हालत की है? अब तक तेरी सुसु करने की आदत नहीं गई, कब तक करता रहेगा ये? इतना बड़ा हो गया है, हंस रहा है गधा। चल छोड़ छोड़, लेट हो गया मैं। 9 बज गए, शंकर भी नहीं आया अभी तक। आ गया शंकर। मैं शंकर जैसे दिखती हूँ? नहीं वो जब भी मैं सामने आती हूँ तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरवाजे पे खड़ी हूँ, अंदर नहीं बुलाओगे? आओ ना। तुम नहीं बुलाते तो भी मैं आती। वो मैं जरा जल्दी में हूँ। तो जाऊँ मैं? नहीं नहीं शंकर भी नहीं आया अभी तक। मैं हूँ ना, मुझे बताओ क्या काम है तुम्हारे लिए, तो मेरी जान भी हाजिर है। नहीं ऐसा कोई काम नहीं। मगर मेरा एक काम है तुम्हारे पास। क्या? डरो मत, वक्त आने पर बताऊंगी। फिलहाल ये पराठे लाए हूँ तुम्हारे लिए, खा लो। मैंने बनाए हैं। अच्छा? अच्छा मतलब मैं नहीं बना सकती? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। सब कर सकती हूँ, घर संभाल सकती हूँ, बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, फटी हुई शर्ट भी सी सकती हूँ। पराठे खाओ। मैं मेरे सामने खा लो। पहली देरी हो गई है। मैं खिलाती हूँ, चलो मुंह खोलो। माफ करना राज, वक्त पे बस नहीं मिली इसलिए थोड़ी आने शंकर सही टाइम पे आए। तुझे भी अभी आना था टकलू। और तू क्या हंस रहा है, एक दूंगी खींच के। तू भी वैसा और तेरा भाई भी वैसा। शाम को बता देना पराठे कैसे थे। आप सभी की फरमाइश पर पेश है फिल्म तेरा मेरा साथ रहेगा ये नगमा, जिसे आनंद राज आनंद ने अपने संगीत से सजाया है और आवाजें हैं सुखविंदर और हेमा सरदेसाई की। पराठे ले जाओ। हाँ? कुछ नहीं पराठे। मिसे शाह को देखो, आज कैसे सीधी सादी मासूम सी मणि बहन लग रही है। अरे पिकनिक में क्या लग रही तेरे बाप रे? मतलब मिनी स्कर्ट में थी, मुझे तो अब भी उससे ड्रेस में दिख रही है। हेलो गुड आफ्टरनून, सब ठीक ठाक है ना? हेलो सर, हाउ आर यू राज? फाइन। कैसे आना हुआ सर? तुमसे कुछ काम था। मुझसे? हाँ। क्या? बताता हूँ, पहले ये बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। और राहुल? He's fine. Good. Hello, Mr. Kanna. आपको देख के लगता नहीं आप रिटायर्ड आदमी है, पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त। अरे जितना काम ऑफिस में करता था उससे डबल काम करता हूँ घर में। हाँ। शर्मा जी बहुत हंस रहे हैं आप, है? सुना है बड़े गुच्छा उड़ा है आपने खंडाला में, 50 बोतलें रम की खत्म कर डाली है। सर आपको कैसे मालूम? बिड्डे में खबर आई थी। आप भी क्या सर? चाय पियेंगे सर? नहीं चाय बाद में पियेंगे, मेरे साथ बाहर आओ। All the best to you guys. Gem of a person, huh? बुढ़ा अभी भी जवान लगता है। जवान बुढ़ा बोल रहा है उसको। काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं मेरा यहाँ आना ही जरूरी था। बैठो। मगर सर बात। अरे बैठो तो सही। बात यह है राज, मेरी एक भांजी है माधुरी, बहन की लड़की है, बहुत खूबसूरत है, स्वभाव में भी बहुत अच्छी है। दिल्ली में रहती थी, पिछले एक महीने से मेरे पास मुंबई में है, एड एजेंसी में कॉपी राइटर है। प्रपोज कर रहे हैं किसी के लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन सर आप तो जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जानता हूं, फिर भी मैं चाहता हूं एक बार तुम माधुरी से मिल लो। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं,
लेकिन शादी करना, शादी करना या ना करना ये सवाल नहीं है मेरी खातिर, सिर्फ एक बार तुम उससे मिल लो। मगर सर मैं शादी, नो एक्सक्यूज प्लीज। चल 201 रुपए निकल, चल 11 रुपए मेरे लिए। अरे 11 रुपए नहीं, क्या? अरे अरे रॉबर्ट, अरे रॉबर्ट, ये देख खाली 11 रुपए दे रहे हैं। और कितना मांग रहे हैं? आपका कितना लिखूं? मेरे लिखो 201। क्या डैड, 501 लिखो ना, मेरी इज्जत का सवाल है। सुअर बाप की कभी इज्जत की है क्या? बेशरम, मेरी इज्जत का सवाल है। क्या हुआ, कब से खिटखिट सुन रही हूँ? कुछ नहीं आंटी, चंदे की बात हो रही थी। कितने चाहिए? हाउ मच? 501 ओनली। तो लिख दो ना। दोगे ना? मरना ही जो ना कहूंगा। लिखो, मनी इवनिंग को लेकर जाना ना। साला कमाल है, पैसे मैं दे रहा हूँ, रिप्पी पूरे जानकी आंटी की। जल गए यू बोन बोन। सच कहूँ जानकी, अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं होती ना, तो तुम इंग्लिश की प्रोफेसर बनती लंदन में। यू फील ऑल्सो ना, यू फील ऑल्सो ना, जेल जेल। आज तेरे बाप के वास्ते 201 ढिल्ला कर। यार 500 तो मिलता है, ये टिकट लग गई ना। मारो बाप से, मारे बहनी थे बेबी आई ने चौथी। अपने बहन को बोल बात कर, अभी कितना ऑपरेशन बढ़ाएंगे इसकी। ये रॉबर्ट पटोर धन से भी लेते। जिंदगी में कभी 125 के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया क्या इसने? तू चल यार, टाइम पास तो करते ना, चल ना। अन्ना क्या है ये? कोई वक्त है दरवाजा खटखटाने का? सोया था ना मैं। अन्ना चंदा जमा करना है। काय का? इंडिपेंडेंस डे 25 साल से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना मैन। ठीक है ठीक है, 125 लिख लो। बोला था ना मैंने, बोला था ना। 201 रुपया तो निकाला ना। 201 लिखने को आता है क्या? मैं क्या देखो, मांगता है तो 125 ले लो और चलते बनो। अरे जवाब दे, चिंडी चोर छे बुड्ढो। क्या बोला, क्या बोला ये, क्या बोला ये, क्या बोला ये, क्या बोला? मैं बोलता हूँ, ये बोला कि बुड्ढा चिंदी चोर है। चिंदी चोर, तेरा पूरा खानदान चिंदी चोर। बेशरम नालायक, आओ इधर आओ, इधर आओ। चिंदी चोर? अरे तेरा बाप है ना वो पास्कल डिसूजा, वो चिंदी चोर। क्या कर रहे हो गुप्ता जी, समझाते क्यों नहीं बच्चों को? छुट्टा हो गया फिर भी ताकत है मुझ पे, यही सिखा क्या माँ बाप ने तुमको? काम धंधा कुछ करते नहीं है, आवारागर्दी करते हैं सिर्फ। अरे मैं चिंदी चोर, तेरा बाप चिंदी चोर, तेरा खानदान महाचोर मुझे चिंदी चोर कहता है। अन्ना, अन्ना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं शांत हो जाओ, तुम भी मुझे ही समझा रहे हो। अरे इन आवारा लड़कों को समझाओ। अन्ना, अन्ना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्या बिगाड़ा है? चुपचाप अपने कमरे में अकेला रहता हूं, कभी किसी को तकलीफ दी है? 500 रुपए की पेंशन मिलती है, उसमें महीना कैसा कटता है मैं ही जानता हूं, लेकिन कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। एक लड़का था, चला गया शादी करके बीवी के साथ, अब उसी के घर रहता है। बाप जिंदा है या मरा है कुछ फिक्र नहीं, कुछ फिक्र नहीं, कुछ फिक्र नहीं। हम लोग हैं ना अन्ना, किसी की जरूरत नहीं मुझे, मुझे अकेला छोड़ दो। राज, अन्ना तो दिन ब दिन हिस्टेरिक होते जा रहे हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती है, और उससे भी बुरा होता है बुढ़ापे में अकेलापन। सच कहते हो राज, इसीलिए हमारे जैसे लोग अपने निकम्मे बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं। चलो। नहीं, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। तो फिर राहुल, शंकर है ना, आप भी जरा। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। माधुरी, माधुरी, माधुरी बेटी। आई जी। माधुरी ये राज, राज,
ये है मेरी भांजी माधुरी, और माधुरी ये है राज, राज दीक्षित। अब आइए बैठिए ना। हाँ इधर आओ बैठिए, इधर आओ, इधर आओ, शाबाश शाबाश, इधर आओ बैठो। जी उठिए, चलिए। क्यों? चलिए तो कभी तो इस्तेमाल किया करो, चलो। ओह बैठिए ना सर। नहीं नहीं राज, टू इज कंपनी, थ्री इज अ क्राउड, एंड फोर इज इट, फोर्थ क्या है? बाहर सुनेंगे जो, चलिए चलो चलिए। तुम लोग बैठो आराम से। इट्स सो फनी ना, मामा जी भी कभी कभी कमाल करते हैं। क्यों? नहीं मतलब दो अनजान लोगों को बिठाकर चले गए। सच पूछे तो आप अनजान नहीं है मेरे लिए, सर ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में। तारीफ की होगी। मामा जी की ना बहुत खराब आदत है। कौन सी? यही, उनको सब अच्छे लगते हैं। ऐसी बुरी आदत तो सबको होनी चाहिए। आप भी ना मामा जी के चेले हैं। एक्चुअली मामा जी ने कुछ गलत नहीं कहा आपके बारे में, वरना मुझ जैसा किसी से बात ना करने वाला आदमी आज आपसे खुल के बात कर रहा है। आपको बातें करना अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं, पहले बात करने वाला भी तो पसंद आना। आप यहाँ नौकरी की तलाश में आई हैं? जी नहीं, जिंदगी की तलाश में आई हूँ। बहुत सारी अनचाही यादों को मुंबई की भीड़ में दफनाना चाहती हूँ। मतलब? मामा जी ने बताया नहीं आपको? जी नहीं, क्या हुआ था? दिल्ली में मेरी शादी तय हुई थी और शादी वाले दिन ही वो टूट गई। क्या? क्यों? क्योंकि उसी दिन सुबह मेरी होने वाली सास का देहांत हो गया। पढ़े लिखे थे लड़के वाले, लेकिन इस हादसे के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। इस बात का दुख नहीं है कि यह शादी टूट गई, अच्छा ही है ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया, कोई सहानुभूति जताकर कोई ताने देकर। इस बात को कभी भूलने ही नहीं दिया मुझे, बस दिल्ली छोड़कर यहां आ गई। आई एम सॉरी। क्यों? अच्छा खासा मूड था, खराब कर दिया मैंने। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट आपकी बातें सुनते सुनते मैं कुछ पल के लिए राहुल को भी भूल गया। सॉरी, राहुल मेरे छोटे भाई का नाम है। मैं सब कुछ जानती हूँ राहुल के बारे में, मामा जी बता रहे थे। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। राहुल मुझ पे पूरी तरह निर्भर है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं भी उसके बिना कभी नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगी, एक्चुअली बहुत दिनों के बाद किसी से इतने खुलकर बात की। मुझे आप गलत मत समझिए प्लीज। आप नहीं, तुम। मुझे तुम कह के पुकारो। जी यू नो, ये शादीवादी छोड़ो, हम एक दूसरे के दोस्त तो बन सकते हैं ना। दोस्ती करोगे मुझसे? प्रॉमिस? चीयर्स। अच्छा राज, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात क्या है? गुप्ता जी, क्या ये जरूरी है कि खुश होने के लिए कोई वजह जरूरी है? नहीं, आज पहली बार तुमने मुझे सामने से कहा ड्रिंक्स लेते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, शराब के पैसे आज मैं दूंगा। अरे मैं भी कहाँ खरीदता हूँ,
किसी वाइन शॉप के सामने जाके खड़े रहो, बॉटल हाजिर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। शॉप इंस्पेक्टर होने का यही तो फायदा है। खैर ये बताओ, आज इतने खुश क्यों हो? गुप्ता जी, आज मुझे एक नया दोस्त मिला। अरे तू उसे भी यहां ले आते? वो शराब वराब नहीं पीता। अरे तू फिर ऐसे शख्स से दोस्ती क्यों कर ली? बस कर ली। कोई लड़की है ना? आपको कैसे पता चला? क्या है नाराज, आज तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब पहली बार सुमन की माँ को मैं मिला था ना, तब मेरे चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही भाव थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। मैंने उसे पहले कह दिया शादीवादी नहीं। अरे ये बात कहना जरूरी था? बाद में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। चलो दोस्ती करने के लिए राजी तो हो गए, ये भी कुछ कम नहीं। अच्छा और बताओ, और बताओ। क्या बताऊं उसके बारे में, बहुत अच्छी है, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं मासूम भी है। जो बात दिल में वही होठों पर। पहली बार मिला उससे मगर ऐसा लगा जैसे परसों से जानता हूं। चखना। ये सुमन को क्या हुआ? छोड़ो, जानकी के साथ कुछ हुआ होगा। नाम क्या है उसका? हाँ? मैंने पूछा तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? माधुरी। हाँ जी मैडम, यही है भर्ती वाला मेंशन। कितने हुए? 22। ये लुंगी अटका क्यों रहे? क्या हुआ? अपने सोसाइटी में शूटिंग है क्या? पागल है क्या? अपने सोसाइटी में क्या शूटिंग होएगा? वो डाउ देख डाउ। बाप रे बाप, फटाका है फटाका। इधर ही आ रही। एक्सक्यूज मी। मैं? राज दीक्षित कहाँ रहते हैं? राज दीक्षित? राज दीक्षित कोई नहीं रहता यहाँ पे। एक मिनट यार। राज दीक्षित? जी। वो ओरिएंटल शिपिंग में काम करता है। जी। अरे राज, वो चश्मा पहनता है वो। जी। वो अपना राजभाई। ये अपना राजभाई यार। वो इधर रहता है। इधर इधर मेरे पास में। उधर रहता है, उधर रहता है। राहुल। देखता हूँ। नमस्ते राज भाई, आपकी तो लॉटरी लग गई है। हाँ, तुपन को मिलने को कोई आया है? हाँ। Why out man? Come in, come in, come in, come in. Come in. आजा आजा आजा। एक कुर्सी ले। क्या मैन कैसा है? ए, मैं कर लिया क्या? अच्छा फिटिंग है। चल बाहर, चल चल बाहर, चल चल। अरे चल ना, चल निकल, चलो। किसके भी घर में जाते यार। नो मैनर्स मैन, बी कंफर्टेबल। यहाँ बैठो ना, नो प्रॉब्लम। बाहर, नो प्रॉब्लम। चल चलो चलो। आप अचानक बताया तो होता। इट्स ओके राज, राज डोंट वरी, इट्स ओके। वो ऑफिस से दो दिन छुट्टी ली थी ना, इसीलिए सब आराम से चल रहा था। मालूम है। फोन किया था ऑफिस में? दो बार, कल भी और आज भी। आज आप ऑफिस नहीं गई? दफ्तर जाने के लिए निकली थी, फिर सोचा एक बार राहुल से मिलती चलो। राहुल कहाँ है? अब राहुल छुप क्यों गए? मुझसे डरते हो? मैं कोई डराने वाली चीज हूं? तुम मुझे नहीं ना पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूं। तुम्हारा नाम राहुल है ना? और हाँ, एक और चीज, तुम्हें हवाई जहाज बहुत अच्छा लगता है ना? Thank you.
जंबो जेट, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जंबो जेट? वाओ, तुम्हें जंबो जेट का एक गाना सुनाऊं? जंबो जेट, जंबो जेट, जुई, जंबो जेट, जंबो जेट, जुई। जल्दी जल्दी बैठो अंदर, सफर होगा बहुत ही सुंदर। ऊंचे ऊंचे कहीं पे पर्वत, कहीं पे गहरी खाई, जुई। बहुत ही प्यारा है राहुल। तुमने तो 5 मिनट में दोस्ती कर ली। मैंने नहीं, उसने। तुम तो किसी से भी सुर मिला लेती हो। किसी से भी नहीं, सिर्फ उनसे जो मुझे अच्छे लगते हैं। ए राज, सुमन, कौन थी वो? वो कौन? ज्यादा नाटक मत करना राज, कह देती हूँ। लड़के लोग ने सब कुछ बता दिया है मुझे। सुबह आई थी वो हीरोइन कौन थी? वो माधुरी दोस्त है मेरी। मुझसे दोस्ती नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है माधुरी। सुमन, ए भाड़ में जाए तेरी माधुरी, और तू ज्यादा अकड़ में मत रहना। तू क्या समझता है मैं तेरे प्यार में पागल हूँ? मुझे जलाने के लिए हीरोइन ले आया? चल, 500 पड़े आजू बाजू घूमने वाले मेरे, समझा तू? चल, चलती हूँ। वैसे भी रखा क्या है इसमें? अरे, सोने का थोबड़ा है क्या तेरा? तू चल ना, छोड़ ना मॉम। अरे, आज के बाद तुझको झांक कर भी नहीं देखूंगी। हाँ, हाँ, देखना झांक कर, तू पहले घर चल। बात करता है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाँ ठीक है, खत्म हमेशा के लिए। तू चल। अबे, तू खड़ा क्यों हो गया? बैठ नीचे। तू चल अभी अंदर। साला अपने आप को हीरो समझता है। हेलो। हेलो, मे आई स्पीक टू राज दीक्षित? राज, एक मिनट। हाँ राज, फोन है। हेलो। हाय राज, माधुरी बोल रही हूँ। जल्दी पूरा करना। हाँ माधुरी। नहीं तो वो सुब्बू छोड़ेगा नहीं। हाँ मिस्टर पोंक्षे, मिस्टर पोंक्षे, राज को ना एक लड़की का फोन आया है। लड़की का? हाँ। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने सुना है। अच्छा? हाँ। लेकिन तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं क्यों शर्माऊं भला? कमाल है ना, राज को लड़की का फोन। लड़की का नहीं रे बॉनर जी, लड़की का। बट सरप्राइजिंग ना, राज को पहली बार एक लड़की का फोन आया है। क्या प्रॉब्लम है मिश्रा? प्रॉब्लम नहीं, न्यूज है, न्यूज। तुम्हारी न्यूज? बधाई हुआ। वो न्यूज नहीं। ठीक है माधुरी, कल फोन करते। क्या हुआ? एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? एंगेजमेंट तो ये फोन कॉल की वजह से सब हंगामा हो रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। मतलब? ये लड़की कौन थी? खन्ना सर की भांजी थी। सर का कुछ मैसेज देना था। बस इतनी सी बात? और क्या, अगर मैं एंगेजमेंट करूंगा तो 5-स्टार होटल में पार्टी नहीं दूंगा क्या? तेरे की, यू हैव रियली डिसअपॉइंटेड अस। सुब्रमण्यम सर है क्या? अरे राहुल, क्या हुआ? अरे राहुल, अरे बेटा, रो मत, रो मत बेटा। इतनी बार बोला है संभाल के खेला कर। कहाँ लगी, कहाँ लगी बेटा? राहुल, राहुल बहादुर बच्चे रोते नहीं। राहुल, अच्छा अगर तू रोना बंद करेगा तो मैं जंबो जेट का गाना सुनाऊंगा, सुनेगा? कहाँ है तेरा जंबो जेट? Nurse, get me cotton fast. Yes, doctor. Doctor, doctor, please. Doctor, Shahid Hussain Dutt. Doctor, doctor. आप बाहर जाइए, please. लेकिन doctor, आप please इन्हें बाहर ले जाइए. राज, गुप्ता जी. आओ राज, चलो. तुम बाहर जाओ राज. इसे देखो बेटा. हाँ, सब ठीक हो जाएगा राज, सब ठीक हो जाएगा. Nurse, call anesthetist. ओके डॉक्टर। क्या इसने पिछले 3-4 घंटों में कुछ खाया है? नहीं डॉक्टर। ओके। राज, राज सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर है ना अंदर। आओ बैठो, बैठो, चलो बैठो, बैठो। ये जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा। ए बाड़ा, कौन चिल्ला रहा है कभी से? अरे है एक पागल, इतना सा लगा है, कितना चिल्ला रहा है? दे तंबाकू दे, चल।
देना बनता है के नीचे खाली बुकर लिया नहीं Tell him to take care, okay? Yes, doctor. आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। जा, देख क्या। Excuse me. आई आई दीक्षित। भैया। देखिए अपने भाई को कैसे हंस रहा है। आप खामखा परेशान हो रहे थे। Such a brave boy. Stitches लगाते वक्त जरा भी नहीं रोया। लेकिन लेकिन आप अभी भी परेशान लग रहे हैं क्या बात है वो मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था डॉक्टर आई एम सॉरी इट्स ओके हार्ट स्टिचेस आए ना तुझे आ गया राहुल ए राहुल बेटा कैसा है तू हाँ? चल चल ज्यादा बात मत कर चल अभी दर्द तो नहीं है ना क्या हो गया चिल्लाना बहन ठीक हो गया अभी ये कौन है अरे यही तो है वो पागल जो चिल्ला रहा था साला ऐसे बच्चे होने से ना होना अच्छा नहीं तो क्या वो धरती के राज 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 क्या बोला तू क्या उसे क्या बोला तू पागल उसका नाम राहुल है तो राहुल नाम रखने से पागल बच्चा पागल नहीं होता राज कर ए चले जबरदस्ती है क्या वो बच्चे के साथ तू भी पागल हो गया क्या राज 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 छोड़ो 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 मर जाएगा राज 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 अरे राज 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 मर जाएगा राज राज नहीं छोड़ूंगा साले को पागल बोलता है प्लीज मिस्टर दीक्षित उसे छोड़ दीजिए इट इज माय रिक्वेस्ट मिस्टर दीक्षित प्लीज 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 मिस्टर दीक्षित इट्स माय रिक्वेस्ट लेट हिम गो तूने पागल कहा उसे गलती हो गई डॉक्टर जाओ माफी मांगो उससे गो मिस्टर दीक्षित आई एम रियली वेरी सॉरी प्लीज गलती हो गई माफ करना तुम भी बात मत करो अपने भैया से ये भी कोई बात हुई मेरा बेस्ट फ्रेंड गिर गया उसे इतनी चोट लगी और मुझे बताया तक नहीं भैया ठीक है इस बार माफ कर देते हैं लेकिन मैं फिर भी नाराज हूँ वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ओके फाइन कितने स्टिचेस आए आठ आठ बाप रे बहुत दर्द हुआ स्ट्रॉन्ग बॉय कब निकलने वाले स्टिचेस 10 दिन बाद 24 तारीख को 24 तारीख को मतलब 25 तारीख को हम पिकनिक पे जाएंगे आप मेरे लिए बैठी आपको शुरू करना चाहिए था ना स्टार्टिंग ऐसे कैसे स्टार्ट करेंगे आप तो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना आपके बिना कैसे स्टार्ट करेंगे आई एम एक्सट्रीम वेरी सॉरी हाँ वो क्या है ना आजकल मैं इतनी बिजी हो गई हूँ आई एम टेलिंग यू कि समझ में ही नहीं आता है कि सोसाइटी की तरफ ध्यान दूं या क्लब की तरफ अगर हो सके तो थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दो यू शट अप हाँ ब्लडी जेलस फेलो बर्निंग बर्निंग तो मेरे सज्जन भाइयों और बहनों माई डियर जेंटल ब्रदर्स एंड डियर जेंटल सिस्टर्स अरे प्रोग्राम डिसाइड कर रही हो या भाषण दे रही हो यू शट अप हाँ डोंट टॉक मिडिल डोंट टॉक ये 25वां साल है जो हम हमारी सोसाइटी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस 25वें साल के सिल्वर जुबिली पर क्यों ना हम ऋतिक को इनवाइट करें आंटी जी तुझे सच्ची ऋतिक को लेके आऊंगे आई टॉक विद सुजान ये सुजान कौन है भाई ऋतिक की वाइफ रे पुलिस फेलो उसकी मासी की बहन की लड़की की सास हमारे क्लब की मेंबर है चलो चलो प्रोग्राम डिसाइड करो ऋतिक आएगा तब देखा जाए सुजान की चाची मैं एक सजेशन दूं हम ब्रह्मपुत्र बैंड ब्लास्टर ऑर्केस्ट्रा रखेंगे एक मिनट
मैं ऑर्केस्ट्रा के सख्त खिलाफ हूँ। बोला बुढ़ा बोला। शट अप। हाँ बॉयज़, इनको भी बोलने का राइट है फंडामेंटल। तुसी बोलो अन्ना। देखो अगर अपनी संस्कृति का जतन करना है तो 25वीं साल के अवसर पर हम गीत रामायण का कार्यक्रम रखते हैं। अच्छा हुआ 100 रुपया दिया, इसलिए गीत रामायण लाने के लिए बोल रहा है। कई 100 रुपया और देता था ना मैन तो रामानंद सागर के पूरे रामायण के एक्टर को लाने के लिए बोलता है चिंदी चोर। क्या है तेरा बाप चिंदी चोर? बाप का नंबर ले क्या? अरे इतनी इज्जत है बाप की तो जाके मंदिर में बिठाना। मंदिर में काई को? चर्च में बिठाएगा, चर्च में। रॉबर्ट क्यों बहस करता है बुड्ढे से? बुड्ढा तेरा बाप? मेरे बाप को बुड्ढा मत बोल। चोर न सीताराम आंटी हम ऑर्केस्ट्रा ही लाए। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा, एक एक को हवाला से बंद कर दूंगा। ज्यादा बात करेगा ना नीचे फेंक देगा। देख रहे हो क्या? फेंक देगा हां, किसको फेंक देगा? मेरे को नीचे फेंक देगा। अरे क्या कर रहे हो? देखो हमारी सोसाइटी में। नमस्कार नमस्कार भाई और बहनों, अवाबाई बहराम जी बर्फी वाला मेंशन में हम आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हे कलमोए बजाना। हाँ तो ये साल हमारी सोसाइटी का 25वां साल है। तुमको सुनना पड़ेगा। भाई और बहनों, आज के इस हसीन शाम की शुरुआत करते हैं। पेश कर रहे हैं पहला आइटम, आबाई बहराम जी बर्फी वाला मैंशन के होनहार यंगस्टार। हेलो हेलो राज, आज सुबह सुबह मुझे याद किया? बात ही कुछ ऐसी है, कुछ सूझ नहीं रहा, बहुत परेशान हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है अभी इसी वक्त। अभी? अभी मैं कैसे आ सकती हूँ? अब हाफ डे ले लो, मैं 3 बजे तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा रहूंगा। ओके ओके बाय। राज राज कुछ कहोगे भी? माधुरी कल जो हुआ ठीक नहीं हुआ। क्या? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ, जानती हो ना? हाँ राज, पर मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं नजर आया। इनफैक्ट मुझे कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माधुरी सच कहो राज, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं माधुरी। तुम सोचना ही नहीं चाहते राज, अपनी दिल की आवाज सुनने से डरते हो तुम। हाँ डरता हूँ, मगर मेरी प्रॉब्लम तो तुम जानती हो ना माधुरी। तो सलूशन ढूंढो। सलूशन नहीं है माधुरी, प्रॉब्लम से भाग के सलूशन नहीं मिलता। तुम्हारे पास सलूशन है, जवाब दो माधुरी। अगर तुम ठंडे दिमाग से और प्रैक्टिकली सोचो तो है। क्या?
देखो राज, राहुल अब बड़ा हो गया है। राहुल जैसे बच्चों के लिए कई अस्पताल है, रिहैबिलिटेशन सेंटर। शट अप माधुरी, राहुल को मुझसे दूर रखने के बारे में सोचा ही कैसे तुमने? तुम जानती हो राहुल मुझ पे निर्भर है और मेरे बिना नहीं रह सकता, फिर भी तुमने, हाउ डेयर यू। I'm sorry, राज, मैं तुम्हें दुखाना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा राहुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एनीवे, I'm sorry too। पता नहीं मैं गुस्से में न जाने क्या क्या भूल गया। अगर दोस्त पे गुस्सा नहीं उतारोगे तो किस पे उतारोगे? मतलब तुम अभी मेरी दोस्त रहोगी? अगर तुम चाहोगे तो। थैंक यू। तुम कुछ भी कहो, माधुरी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी राज। नहीं गुप्ता जी, मुझे लगता है माधुरी ने जो कुछ कहा सही है, प्रैक्टिकल है। शादी क्या सिर्फ दो इंसानों का मिलन है राज? अगर माधुरी तुमसे सचमुच प्यार करती है तो उसने राहुल की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। नहीं गुप्ता जी, राहुल मेरा भाई है, मेरा खून है, मैंने उसे बचपन से देखा है, शायद इसीलिए वो मेरा सब कुछ है। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि उम्र से चाहे वो 15 साल का हो, लेकिन मेंटली वो 2-3 साल का बच्चा ही है। और मैं माधुरी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक बच्चे के साथ वो अपना नया संसार शुरू करे। और अगर वो राहुल को अपनाने के लिए तैयार होती तो? तो जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से प्यार किया। सलाह काम धंधा तो कुछ करता नहीं, बेकार सलाह मवाली, समझता क्या है अपने आपको? जब देखो नुक्कड़ पे खड़ा है। क्या बोलते गुप्ता जी? अरे बोलने के लिए कुछ है क्या मालूम? अरे तो फिर पूछते क्यों? तो भड़कते गए को घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। वो रस्ते पे कचरे का डिब्बा है ना, उसकी भी कीमत मेरे से ज्यादा है। What happened there? What happened? Holy shit! साला उसकी तो मैं तंगड़ी तोड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं उसकी। Shit! 2 मिनट आग क्या लगी थी कि हो गई शुरुआत आके? सो जा महारानी, सो जा। तुम नहीं सोगे तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे कैसे? डैड, क्या किया संजय ने? क्या किया? वो बेशरम नाके पे खड़ा था, आज साथ में कोई नए दोस्त थे, तो मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा तुम आगे चलो मैं आता हूँ। मेरे आगे जाने के बाद उसके दोस्तों ने उसे पूछा कि ये आदमी कौन है, तो सुअर के बच्चे ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? कहा कि ये आदमी हमारे सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में। तो इसमें गलत क्या कहा? हाँ? तुम इस सोसाइटी में नहीं रहते। जुबान खींच लूंगा मैं तेरी, बाप को बाप कहने में शर्म आती है इनको। हाय डैड। डैड? अरे डैड तेरा बाप साले है। डैड दिखता तेरे को? एक मिनट लेट मी हैंडल दिस। क्यों रे नाला है, तूने इंसल्ट की मेरे हस्बैंड की? मॉम जरा देखो इनके और कैसे लगते हैं, वो शर्ट देखो, कॉलर फटी हुई, रुमाल अटकाया हुआ, चाय पीते हैं शर्ट पे गिराते हैं, पता ही नहीं चलता। पान खाके जितना बाहर थूकते उतना शर्ट पे देखो। बाबा आदम के जमाने की पैंट, 5 साल पुरानी चप्पल, अंगूठा टूटा हुआ, ऐसे 3 पिन प्लग की तरह चल के आ रहे थे। हाँ, हसो हसो और हसो तुझे तो। इसलिए बाबा मैं तो सबको कहती हूँ कि ये मेरे दादाजी हैं। अरे चुप करो बेशर्मो, ये इज्जत कर रहे हो अपने बाप की? I'll tell you something, तुम अगर ऐसी हालत में मेरे लेडीज क्लब आओगे ना तो मैं भी कहूंगी कि तुम इस सोसाइटी में रहते हो। कौन कौन है? हेलो आउडियो। अरे पहचाना नहीं? नहीं नहीं गुप्ता जी, पहचाना ना, अंदर आइए अंदर आइए। थैंक यू राज।
कैसे लग रहा हूँ मैं? एकदम अलग लग रहे हैं आप। अरे व्हाट अलग, आई एम हैंडसम यंग मैन, हैंडसम। राहुल सोए चाची घर पे नहीं है? अरे वो होगी घर पे, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। जस्ट लुक एट मी, रेमंड रोडिंग जर्डिंग्स रोडियक टाई इम्पोर्टेड शूज, मैं देखू लेदर बैग, लेदर बैग गॉगल्स इम्पोर्टेड स्प्लेंडर गॉगल्स, स्प्लेंडर इम्पोर्टेड गॉगल्स, बस आदमी को कैसे पॉश रहना चाहिए, पॉश। राज अब मेरे बीवी बच्चे मुझे पहचानने से इनकार करेंगे? नहीं, अगर मैंने पैसे नहीं खाए तो मेरे बीवी बच्चे पॉश रह सकते हैं क्या? What matters is status, status. I am the husband of ladies club chairwoman, husband. एक जवान होनार बच्चे का बाप हूँ, सारा होनार, my foot. ऐसा ही बोलते, my foot. You know, first year BA में 3 बार फेल हो चुका है। कुछ पूछा तो बोल रहा है मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, you know? उधर बहुत पैसा है साला। मैं क्या बोलूं? मैं भी पैसे खाता हूँ, I'm also corrupt. पूरे सिस्टम साला सड़ गए लिए है। एक एक इंसान ऊपर से नीचे तक सड़ गया है। Sorry. सिर्फ ये एक छोड़ के, यू नो माय डार्लिंग, आई एक किस लेता हूँ, एक किस, माय डार्लिंग किस। गुप्ता जी बैठिए ना। आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। सलाम, इसके जैसी चैन की नींद कोई सो सकता है? हाँ राज, मैं तो कई दिनों से सोया तक नहीं हूं, कई दिनों से। घर में जवान लड़की है, उम्र बढ़ती जा रही है, शादी तय नहीं होती ना। मंगली है, मंगली। शांत हो जाइए गुप्ता जी, सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली मत दो राज, कुछ ठीक नहीं होता, नथिंग नथिंग वर्क सारा। सुना है वो किसी गैरेज वाले के साथ घूमती है, मालिक गुंडा साला। साला कुछ कहा तो कह दिया, जिंदगी भर क्या कुंवारी रखोगे, कुंवारी। बहुत डर लगता है राज, बहुत डर लगता है, डर लगता है राज, डर लगता है। गुप्ता जी, गुप्ता जी। सुमन बाहर जा रही हो तुम? ए तू खेलना चुपचाप। अबे छोड़ ना संजय, नो टेंशन मैन, खेल रहे आजाद को बैठेंगे ना। राज बुलाए मुझे। हाँ थोड़ा काम था। शंकर जरा बाहर जाओ जी, अब बैठो ना। नहीं खड़ी ठीक हूँ। कल रात को तुम्हारे बाबूजी आए थे यहाँ। तो नाचू मैं? नहीं, वो कह रहे थे कि वो नीचे गराज वाला आसिफ, उसके साथ लफड़ा है मेरा, यही ना। लेकिन वो गराज वाला क्यों? प्यार करता है मुझसे। और तुम? बिल्कुल नहीं करती। फिर क्यों? जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे प्यार किया है। पर सुमन, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है राज, सिर्फ तुमसे। शादी करोगे मुझसे? नहीं ना। सलाह देना बहुत आसान है राज, मगर जिस पे बीतती है ना। अच्छा चलती हूँ, आसिफ इंतजार कर रहा होगा मेरा।
माधुरी। अरे मामी जी, आप सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी तेरे बारे में सोचकर। क्यों, क्या कहता है राज? किस बारे में? शादी के बारे में बेटे। शादी ना करने का राज का फैसला आता है। तो क्या? कुछ नहीं, मैं ही पागल हूँ जो राज से प्यार करने लग गई। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। आते हैं कहीं भी जाते हैं, सड़क पे चलना मुश्किल हो गया आजकल। ये देखो कंपाउंड में तो मेला लगा के रखा है। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते। बाजार गए थे? हाँ। चिंदी लाने? तेरे बाप की लुंगी लाने सड़े ले। रॉबर्ट, सोसाइटी के लीडर, अरे बच्चों को कुछ बोलते क्यों नहीं? वो देखो अन्ना को सता रहे। समझते हैं क्या अपने आपको? नालायक। अन्ना, अरे संजय, सुमन, रॉबर्ट, जल्दी आओ। शेखर, तू डॉक्टर को लेकर आओ। अन्ना, क्या हुआ? अन्ना, चुप रहे, बैठो बैठो बैठो। हाँ डॉक्टर, बैठो बैठो बैठो। सिट, थैंक यू। इनके साथ कौन है? ये दवा मंगा लो अर्जेंटली। संजय, जाओ जल्दी जाओ। चल भाग के ला, जाओ दवाई लेके आओ। ये लो, आप लोग टेंशन मत लो, जल्दी होश में आ जाएंगे। चलो चलो गर्दी छोड़ो, हवा आने दो। चलो चलो हवा आने दो। चलो आंखें खोलो अन्ना। ए मैन, अरे आंखें खुली। अरे ए कैसा है मैन? क्या हुआ? क्या हुआ? सीढ़ियों पे गिर गए थे प्रेशर से। हटो हटो, अरे हटो। संजय आ गए। क्या अन्ना, आ गया ना होश में? ये लो गोली। गोली? फिर डॉक्टर ने बोला है गोली खाने को। डॉक्टर आके गया, इंजेक्शन भी देके गया। इंजेक्शन? टेंशन मत लो, पैसा दे दिया। इतना सब किया तुमने मेरे लिए? अन्ना, तुम्हारे लिए नहीं, आप उनके लिए। मतलब? अन्ना, अगर तुमको कुछ हो जाता तो हम चिंदी चोर किसको कहेंगे? संजय, चुप कर बेशरम, जबान को लगाम दो। Put a horse on your tongue and pull him back. ये इसका English. अरे नहीं नहीं जानकी, बोलने दो इन्हें। आज के बाद अगर चिंदी चोर नहीं कहेंगे
तो खाना हजम नहीं होगा। अन्ना चिंदी चोर तेरा बाप चिंदी चोर। बोल तू खेल ना, चल जा। राहुल राहुल क्या हो रहा है ये? ए छोड़ क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? क्या तमाशा? तमाशा मैंने मेरे भाई को छेड़ रहे थे सब लोग मिलके। ये क्यों छेड़े थे पागल को? ए पागल किसको बोला? तू पागल, तेरे बाप का खाता है, खाता है तेरे बाप का। ए चलिया चलो हटो यहाँ से, चलो चलिया। रुको 35 रुपए। ये रहो छमिया, चल हट स्टूपिड। लाओ भैया पैकेट दो। क्यों गुप्ता जी, ऑफिस से आ रहे हो? घर जाओगे? सिगरेट? नहीं नहीं है। सुमन को भी लेके जाओ। सुमन को? हाँ वो क्या बैठी है तुम्हारे होने वाले जमाई के साथ। ये गुल खिला रहे इधर, चल घर पे, चल घर पे, चल। चुप है मवाली। ए मवाली किसको बोलता है रे? ए देख देख देख, तू मुझसे आवाज चढ़ा के बात मत करा, मुझे डरा मत, समझा? चल घर पे, चल घर पे नालायक बेशरम, चल चल। तेरी तुम्हें चमड़ी उधर दूंगा, नाक कटवा दी हमारी, चल चल अंदर, चल नाक कटवा दी मेरी। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? मैं तुम बीच में मत पड़ो, चल छोड़ो। साली ने काली पोत दिया हमारे मुंह पर, देख 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 कैसे देख देख। अरे तेरी तो आंखें नोच लूंगा मैं, जान ले लूंगा मैं तेरी। ए बाहर चल, गेट आउट आउट। ए आखिर किया क्या है इसने, ये तो बताओ, टेल मी टेल मी। ये साली वो गैरेज वाला उस मवाली के साथ? वो मवाली नहीं है डैड। अच्छा तो क्या खानदानी सता रहे? खानदानी सता रहे, क्या कर रहे हो तुम? बीच में मत आओ मॉम, मार डालो, मार डालो मुझे डैड। जबान लड़ाती है बेशरम। छोड़ो। बेशरम? मैं बेशरम? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए डैड, जो इन सबके सामने अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो। कभी सोचा है मेरी उम्र के बारे में? हाँ दो वक्त का खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, बस क्या यही जरूरत होती है एक जवान लड़की की? तुम्हें तुम्हारी इज्जत इतनी प्यारी है ना डैड, तो शादी करा दो ना मेरी। मार डालो मुझे, रुक क्यों गए? सुमन
सुमन। उठो उठो ना। अरे क्या हुआ? सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाथरूम में गई। अरे बाथरूम में देखा मैंने, नहीं है। नहीं रोना जानकी, तुम भी। डियर मॉम एंड डैड, मैं घर छोड़कर जा। डियर मॉम एंड डैड, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आसिफ से शादी करने वाली हूँ। इस तरह से घर छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं आसिफ के बच्चे की माँ। सुमन, सुमन, सुमन घर छोड़कर भाग गई तो मैं क्या करूँ राज? तुम्हारी सोसाइटी में गुप्ता जी क्या कहते हैं? अन्ना पटवर्धन का लड़का अपनी बीवी के यहाँ क्यों रहता है? मंजीत सिंह की बीवी को कैंसर है, इन सबसे मेरा क्या लेना देना? देखो सुमन, मेरा नाम माधुरी है। सॉरी माधुरी। एक बात बताओ राज, हम रोज क्यों मिलते हैं? कभी तुमने हम दोनों के बारे में बात की है? कभी एक्सेप्ट किया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हमारे रिश्ते को क्या नाम दोगे राज? तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा डर लगता है। आखिर क्या? माधुरी, हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए राज। तुम्हारे बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होगी। आखिर हम दोनों के फ्यूचर के लिए यही ठीक रहेगा। राज, तू ही समझा इसे। नहीं अन्ना, गुप्ता जी आज बहुत दिनों के बाद पी रहे हैं। अरे शंकर, राहुल कहाँ है? सो गया? नहीं, आप ही के घर में है। अच्छा, चाची के साथ बैठा है। हाँ। अच्छा, और कुछ चाहिए? नहीं, तू जा। आजकल राहुल चाची के साथ बहुत घुल मिल गया। हाँ, अच्छा है, उसका दिल भी बहल जाता है। जिस दिन से सुमन गई उस दिन से चुपचाप सी रहती है। बहुत गलत किया सुमन ने, बहुत गलत किया। नहीं कांता, किसी भी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए, और अपने बच्चों से तो कोई भी उम्मीदें मत रखो। 6 साल हुए मेरे बेटे ने घर छोड़ा, परसों बाजार में मिला था बीवी के साथ, हाथ में 2 साल का बच्चा था। मैंने हाथ किया तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं दादा बन गया ये मुझे बाजार में पता चला। इसलिए कहता हूं कामता, मोह मत रखो। कहना बहुत आसान है अन्ना, कहना बहुत आसान है। खैर छोड़ो राज, बताओ माधुरी कैसी है? वो किस्सा तो खत्म हो गया। मतलब? मतलब उसने कह दिया कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्यों? अब ऐसे कैसे कह दिया उसने? नहीं, उसने जो किया ठीक किया। अरे वैसे भी हमारे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं थी। सुमन का कुछ पता चला? कल ही मिला है उसे, चिंचपोकली में रहती है, झोपड़पट्टी में, 6x6 की खोली है, उसमें ना लाइट है ना कुछ सामान, फूटा हुआ स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। जिस लड़की ने जिंदगी भर किचन में कदम नहीं रखा वो खाक स्टोव जलाएगी?
आज सुबह उसे 50,000 रुपया दे आया और कहा कि अगर तुझे कोई छोटा मोटा घर लेना हो तो मुझे बता, मैं पैसे दूंगा। तुम कुछ भी कहो अन्ना, अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं ना। अजीब है ना अन्ना ये इंसानी रिश्ते, जितना सुलझाने की कोशिश करो उतने ही उलझते जाते। इसलिए कुछ सोचे बगैर हम शराब पियेंगे। क्यों अन्ना? हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि आज दूसरा पैग ले ही लूँ। अरे क्या बात है अन्ना। शंकर, गुप्ता जी के यहाँ से बर्फ लेके आ। हाँ। हेलो, हेलो, किसका फोन था? ब्लैंक कॉल आई थिंक। क्या सोचा तुमने? किसके बारे में? राज के? क्या सोचना? फॉर मी द चैप्टर इज क्लोज्ड। हेलो, हेलो, माधुरी को फोन देना प्लीज। कौन बोल रहा है? मैं राज बोल रहा हूँ। माधुरी, राज। मुझे नहीं बात करनी उससे, कह दो मैं नहीं हूँ। हेलो, वो देखिए मैं जानता हूँ वो वहाँ है, प्लीज फोन दीजिए। वो जानता है तुम यही हो। हेलो, हेलो माधुरी, मैं राज, मैंने कहा ना मैं यहाँ नहीं हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। माधुरी, माधुरी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज माधुरी, लीव मी अलोन राज। एक मिनट माधुरी, छोड़ो मुझे। लेकिन माधुरी मेरी बात तो सुनो। यू आर क्रिएटिंग अ सीन। माधुरी, ए मिस्टर, ये क्या नाटक लगा रखा तुमने? आप चलिए भाई साहब, हमारा पर्सनल मामला है। अच्छा, चलो भाई, इनका पर्सनल मामला है। आज तो मैंने इन्हें रोक लिया, अगली बार प्लीज राज, उनसे मिलने की कोशिश मत करना। सुनते हो? लिसन नो। क्या ये राज को क्या हो गया? 2-3 दिन से काम पर नहीं गया, चुपचाप सा रहता है, क्वाइटली। सब कुछ तो जानती हो तुम जानकी। हाँ, एक बात कहूं? क्या? एक बार माधुरी से मिल लो, मीटिंग हर। नहीं जानकी, राज को बुरा लगेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, एक बार मिल तो आओ, शायद कोई रास्ता निकल आए। रोड कम, आई नो। ठीक है। मैं तो खुद चाहता था गुप्ता जी कि राज और माधुरी की शादी हो जाए। अगर मैं माधुरी से बात करूं तो? लेकिन राज शादी ही नहीं करना चाहता भाई साहब, माधुरी कर भी क्या सकती है? अगर उन दोनों को एक बार साथ बिठाया जाए तो? कुछ नहीं होगा, वैसे भी माधुरी दिल्ली वापस जा रही है। क्या? हाँ, उसने कल ही रिजाइन कर दिया है। कब जा रही है वो? कल सुबह की फ्लाइट है। ओ, चलो ड्राइवर, सामान निकालो।
वो माधुरी मैं हेलो राज हेलो सर माधुरी से मैं दो हाँ तुम लोग आपस में बातें करो हम अंदर चलते हैं चलो क्यों आए हो राज वो गुप्ता जी ने बताया कि तुम जा रही हो तो मुझे एहसास हुआ कि मत जाओ माधुरी मुझे जाना होगा राज प्लीज माधुरी राज मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती जब प्यार करती हो तो क्यों जा रही हो एक बात बताओ राज हमारे रिश्ते की मंजिल क्या है शादी राज हाँ माधुरी I want to marry you. तुमने सच कहा था कि मैं अपनी प्रॉब्लम से भागता हूं पर अब नहीं मतलब वो मैंने एक जगह के बारे में पता किया वहां राहुल की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे ये सब तुम सिर्फ मेरी खातिर तो नहीं कर रहे ना राज नहीं माधुरी हम दोनों की खातिर राज शंकर क्या हुआ खाने का ला रहा हूं राहुल आज अपने हाथों से खा राहुल कभी तो अपने हाथों से खाने की आदत डालनी पड़ेगी तुम खिलो कब तक खिलाऊंगा मैं तुम्हें कभी तो सीखना पड़ेगा देखो राहुल तुम बड़े हो गए हो सब हंसते हैं मुझ पे क्योंकि मैंने तुम्हें घर बिठा के रखा हुआ है ऑफिस में मेरा बॉस मुझे डांटता है क्योंकि मैं रोज जल्दी घर आ जाता हूँ राहुल मैं भी तो थक जाता हूँ ना ऑफिस जाओ खाना बनाओ तुम्हें खिलाओ निलाओ हाँ इसीलिए ना मैंने बहुत अच्छी जगह देखी है तुम्हारे लिए वहां तुम खेल सकते हो पढ़ सकते हो बहुत सारे दोस्त भी है वहां मैं भी तो आऊंगा ना रोज तुम्हें वहां मिलने Yeah.
मुझे समझने की कोशिश करो, इसमें तुम्हारी भी तो भलाई है। हाय डैड। हेलो बेटा, ये लो। मॉम, डैड आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? मैंने सुना राहुल को राज हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, पुटिंग इन हॉस्पिटल। ठीक सुना है तुमने। ऐसे कैसे? मैं नहीं ऐसा होने दूंगी, नेवर। अरे हम होते कौन है उसे रोकने वाले? कौन मतलब? बेटा है मेरा, सेकंड सन। जानकी, राज को बोले उसके घर में जगह नहीं है ना, तो मेरे घर में बहुत जगह है। पागल जैसी बातें मत करो जानकी, ये राज का निजी मामला है। ऐसे कैसे? उसको शादी करनी है ना वो माधुरी से, तो करने दो ना। लेकिन उसके लिए राहुल को हॉस्पिटल में रखने की क्या जरूरत? व्हाट इज नीड? मैं नहीं उसे जाने दूंगी। देखो जानकी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमें उसे रोकने का कोई हक नहीं है। कब ले जा रहे उसे? 6 तारीख को। राहुल, राहुल पास हो गया, देख पास हो गया, गुस्सा मत दिला मुझे। हर बैग नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। चल चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, समझता क्या है? चल भर बैग, भर बैग। तेरे बाप का नौकर हूं, एक झापड़ मारूंगा। संभल के। रिलैक्स मिस्टर राज, वो अपना काम जानते हैं। आइए बैठिए प्लीज। राहुल संतोष दीक्षित, उम्र 15 साल, उम्र के हिसाब से छोटा लगता है ना? जी डॉक्टर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी? हाँ डॉक्टर, राहुल सुबह नाश्ते में भारी बिस्किट के सिवा कुछ नहीं खाता, वो भी चाय में डुबोकर, और दांत ब्रश करना उसे पसंद नहीं है, थोड़ा मनाना पड़ता है, और दूध पे सिर्फ क्लोजअप। खाने में भात के साथ घी लगता है देसी, और नहलाते वक्त उसके किसी खिलौने को साथ नहलाना पड़ता है। हाँ, ये सारी बातें तो यहां पर लिखी हुई हैं, और कुछ? कभी कभी नींद में बेड पे सुसु करता है। हाँ ठीक है। एक्चुअली कभी कभी नहीं, रोज ही करता है। ओके डॉक्टर, मैं देख कर रहा हूं वो क्या कर रहा है। डोंट वरी मिस्टर राज, ही विल बी फाइन। ओके तो मैं कल आता। नहीं नहीं मिस्टर राज, अब आप 8 दिनों तक उससे नहीं मिल सकते। क्यों? अगर आप रोज उससे मिलते रहे तो वो अपने आप को इस माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाएगा? आई अंडरस्टैंड, तो मैं चल। यस, एंड डोंट वरी मिस्टर राज, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ओके जी।
बाय। थैंक यू डॉक्टर। गुप्ता जी, अब फ्री बर्ड ना फ्री, टेंशन नहीं, फिकर नहीं, हाँ? आप ले रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ राज। भरू? नहीं राज, मुझे नहीं चाहिए। जेठ यार, 15 साल, 15 इयर्स, साला सर कराओ, घर खिलाओ, सूज साफ करो, बॉडी साफ करो, थक आ चुका हूँ, थक गया उस साला, प्रमोशन नहीं लिया, ओवर टाइम नहीं किया, बट आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, फ्री बर्ड गुप्ता जी, कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ राज। Then, जज नाराज है, सॉरी सॉरी जज, सॉरी सॉरी राज, हम ओके ओके, तुम बैठो, सॉरी। राज राज, वेरी गुड लाइफ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी हो, बच्चे हो, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी हो, वो क्या नाम उसका, अब कौन? वही गुप्ता जी, मेरा बॉस। और कौन? सुब्रमण्यम। हाँ वो सुबु, मेरे सामने आज मरते हेयर आने लेके घूमता है, वो भी एयर कंडीशन, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है गुप्ता जी, गर्मी है। राज राज राज, देखो चलो मैं तुम्हें छोड़ा था, सॉरी शाजी, सॉरी। बटली वाला मजा में की स्टॉप मत कर रे बाबा। हाय राज, केम बानर जी कैसा है? हेलो राज, देयर इज अ कॉल फॉर यू। हां देना। हाय हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। याद है ना आज सैटरडे है? याद है। तो तुम 3 बजे मेरे ऑफिस आ रहे हो, आज हम मेरे ऑफिस के पास ही शॉपिंग करेंगे, ओके? पहुंच जाऊंगा। बाय राज, लव यू। बाय। तेम बाबा कोई प्रॉब्लम जे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राज। सिट सिट सिट, ये रिपोर्ट तुमने खुद बनाई है? जी सर। आई कांट बिलीव इट, मुझे ताज्जुब हो रहा है। क्यों सर, समथिंग रॉन्ग? रॉन्ग, ऑल द फिगर्स आर रॉन्ग। 3 साल पहले के टर्नओवर के फिगर्स लिख दिए तुमने, अच्छा हुआ मैंने क्रॉस चेक किया। सर क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? I'm sorry सर, तबीयत ठीक नहीं है। Then you should have taken leave. I'm sorry सर। It's okay, I'll rectify the errors. सर yes? आपकी इजाजत हो तो मैं घर जाऊं? Oh yes, no problem. Thank you सर। It's all right. Hi. Hello सर। Hello. हाय राज, कैम बटले वाला, अरे देशपांडे बहुत जोर से काम कर रहा है। जा रहे हो राज? क्या कम? हाँ। हेलो माधुरी, राज। राज क्या हुआ, फोन क्यों किया? वो आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। कंपनी के 2 डायरेक्टर्स आए हैं कैलकटा से, बॉस ने अर्जेंट मीटिंग रखी है 3 बजे। ओके ओके ओके। अच्छा सुनो, कल संडे है, कल सुबह से शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, तो कल सुबह मैं तुम्हारे घर आता हूँ। ओके राज, बाय। ओके बाय।
ये पैर आगे लो, हाँ थोड़ा आगे, बस बस, यस वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर राज, आप वो यहाँ, मैं अपने दोस्त से मिलने आया था तो सोचा राहुल के बारे में पूछ लूँ। अच्छा, यू आर राहुल ब्रदर? जी डॉक्टर। देन डॉक्टर गांधी मस्ट हैव टोल्ड यू द रूल्स, यू कांट मीट हिम फॉर 8 डेज। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं उससे मिलने नहीं आया हूँ। फिर मैं इतनी दूर आया था अपने दोस्त से मिलने, तो सोचा उसके बारे में पूछ लूँ। कैसा है वो? कल से ना कुछ खाया ना पिया है। मतलब? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए मिस्टर राज, पहले 2-3 दिन सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। डोंट वरी मिस्टर राज। ओके डॉक्टर, डॉक्टर मैं इतनी दूर आया था तो सोचा तो 2 मिनट उसे मिल लूँ। नो वी कांट अलाउ यू टू। सिर्फ सिर्फ बाहर से डॉक्टर? नो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर राज। नो 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 इट्स ओके डॉक्टर। तो मैं चलूँ? ओके डॉक्टर। सुनिए मिस्टर राज, जाइए मिलाइए राहुल से, सिर्फ बाहर से। जी 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 डॉक्टर। सिस्टर इन्हें राहुल का कमरा दिखाओ। जी थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। कम ऑन मितेश, कम ऑन, अब ये पैर उठाओ, थोड़ा आगे, वेरी गुड। ये है राहुल का कमरा, लेकिन अंदर मत जाइए प्लीज। जी नहीं। ओके। क्या हुआ, खाना नहीं खाना? चल खा। ब्लैकमेल करता मुझे? हाँ तुझे क्या लगता है 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो तुझे घर लेके जाऊंगा? देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला, चल खा ले। तो मत खा, भूखा मर जाएगा तब भी लेने नहीं आऊंगा। ना खुद जीता ना मुझे जीने देता है, घूरता क्या, घूरता क्या, एक थप्पड़ मारूंगा। चल खा, चल खाना खा, मुंह खोल, खोल दो, खा खाना खा, देखता हूँ कैसे नहीं खाता। खा मुंह खोल, खा खाना, लीव मलो ऐसे, चलिए बाहर, देखता क्या, चलिए बाहर। हाँ भाई चलो, आउट ऐसे, और खबरदार जो 8 दिन तक आया है तो। 8 दिन तो क्या, 8 महीने तक नहीं आऊंगा, समझता क्या आपने आपको, इसके बाप का नौकर हूँ, खाना नहीं खाता, मत कहा खा रहा। मिस्टर राज जाइए यहाँ से। हाँ जाता हूँ, 15 साल से तक आ गया हूँ, रोज उसको खाना खिलाओ, रोज उसका सुसु साफ करो, उसकी उसकी पोटी साफ करो, तक आ गया हूँ तेरे से, मैं जाता हूँ, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, ब्लैकमेल करता है साला, जाता हूँ नहीं आऊंगा। Hey, माधुरी, अरे तुम यहाँ कब आए? हाय राज, अभी थोड़ी देर पहले। चलो बाय। बाय, थैंक्स। अंदर आओ ना। नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहीं बैठे। बैठो। काफी देर लग गई ना मीटिंग में। वो न्यू बॉम्बे में नया ऑफिस ले रहे हैं ना। कहाँ थी मीटिंग? ऑफिस में। कमाल है, मैंने फोन किया तो मुझे कहा कि तुम निकल चुके हो। तुमने फोन किया था? हाँ वो मैं सोच रही थी कि कल यहीं आ जाऊंगी और फिर साथ में शॉपिंग जाएंगे, यही बताना था। वो क्या है माधुरी? राहुल से मिलने गए थे ना। मुझे क्यों नहीं बताया राज, मैं भी आती थी तुम्हारे साथ। अब नहीं जाऊंगा। क्यों? 2 दिन से खाना नहीं खाया, ब्लैकमेल करता है। हम कल जाएंगे उससे मिलने। नहीं वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि 8 दिन तक मिल नहीं सकते। अच्छा मुझे भी आराम मिलेगा।
हम कल ही जाएंगे उससे मिलने। प्रेगनेंसी के लिए आई हो? वो गुप्ता जी हैं? राज, क्या बात है? गुप्ता जी, सॉरी, शायद जगाया आपको। नहीं, मैं सोया नहीं था, बैठा था। क्या बात है? वो आज ड्राई डे है ना? हाँ, आज इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं। क्यों, कुछ है आपके पास? सॉरी राजा, आज मेरे पास भी कुछ नहीं। देखते ना जाके, मैं शर्ट नहीं, नहीं, नहीं गुप्ता जी, ठीक है, सुमन भी आई है ना? हाँ, शायद माँ बनने वाली है। क्या हुआ गुप्ता जी? भाग गया साला, भाग गया, शादीशुदा था। गुप्ता जी, मैं ठीक हूं राज, सब सब नसीब का खेल है। और अपनी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ा था, ले आया उसे। सुनो, जाकर आओ उसके साथ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं जाता हूं। आप बैठो सुमन के साथ।
तुमने राहुल को देखा? सुनो राहुल, राहुल 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 नहीं, गिर जाएगा राहुल नहीं राहुल। राज राज ए राज कहाँ जा रहा है राज? अरे क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह जाने? अरे वो कहाँ गए मॉर्निंग मॉर्निंग भागते भागते? सुबह सुबह माधुरी माधुरी हाँ अंदर अंदर आओ। नहीं मुझे माधुरी से मिलना है। राज क्या हुआ राज? माधुरी वो मैं तुमसे राज सब ठीक तो है ना? राहुल राहुल ठीक है अंदर आओ। नहीं नहीं माधुरी मैं तुमसे ये कहने आया हूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ हाँ माधुरी मैं राहुल के बिना नहीं जी सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि राहुल मुझ पर निर्भर नहीं मैं राहुल पर निर्भर हूं। राज मैं I'm sorry, माधुरी। I'm sorry. पर राज 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 सुनो तो राज से मिलने आया। What is wrong with you, Mr. Raj? क्यों बार बार आप यहां आते हैं? नर्स बता रही थी कल आपने यहां आकर तमाचा खड़ा कर दिया। ऐसे ही करोगे तो राहुल को यहां रखना मुश्किल होगा। यही तो मैं चाहता हूं। मैं उसे ले जाने आया हूं। What? I'm taking him away. सोच लो हम उसे दोबारा यहां नहीं रखेंगे। मैं पागल था जो उसे यहां ले आया। मर जाऊंगा उसके बिना। प्लीज डॉक्टर प्लीज। ओके नर्स ने राहुल के रूम में ले जाओ। यस डॉक्टर। नहीं मैं जानता हूं राहुल का। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। राहुल 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 काली मारो मत मत मारो राहुल चल मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। चल घर चल। माफ कर दे मुझे। मार मुझे मार। मुझे ऐसे आदमी को मारना ही चाहिए। अरे भाई हूं तेरा फिर भी अपने से दूर रखा। मार मार भैया।
मुझको पता है तू मेरा क्या है, कैसे मैं बताऊं ये तुझे। जब चोट कोई लगती है तुझको, यहाँ दर्द होता है मुझे। तू हमेशा मेरे पास रहे, हर धड़कन यही बात कहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। अभी तो कैसे दिया? अरे राहुल आया, ए राहुल आया रे, ए राहुल आया, ए राहुल, राज जो तुम राहुल को वापस ले आए, मैंने तुमसे प्यार किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारियों को भी अपनाना चाहिए था ना। प्रैक्टिकल होते हुए मैंने तुम्हारी भावनाओं को दुखाया राज, आई एम सॉरी। माधुरी इधर आओ।